नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल देसी नुस्खे में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, अगर आप भी खाने में इस्तेमाल करते हैं वनस्पति तेल तो संभल जाए के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल देसी नुस्खे तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी वाले वीडियो रोज लेकर आते रहते हैं। क्या आपने दिल से जुड़ी बीमारियों से दूर रहने के लिए मक्खन छोड़कर वनस्पति तेल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है? अगर हाँ तो आपको बता दें कि मक्खन की जगह वनस्पति तेल का इस्तेमाल करना भी नुकसानदेह हो सकता है। एक नए शोध के मुताबिक वनस्पति तेल दिल से जुड़ी बीमारियों को कम करने में बहुत मददगार नहीं है। अमेरिकी समाचार एजेंसी यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल यूपीआई ने हॉवर्ड टी एच चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के वैज्ञानिकों के हवाले से लिखा है कि मक्खन की जगह वनस्पति तेलों के इस्तेमाल से दिल से जुड़ी बीमारियों में कोई राहत नहीं मिलती है। शोध में हालांकि पारंपरिक आहार के उन दिशा निर्देशों को भी खारिज नहीं किया गया है जिसके तहत सोयाबीन, मक्का, जैतून और राई के तेल को दिल के लिए फायदेमंद माना जाता है। उद्धरण चिन्ह। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जैसी जगहों पर शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव चल रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें, हम जल्द से जल्द जवाब देंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारा YouTube चैनल देसी नुस्खे सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि रोजाना हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो लेकर इस चैनल पर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।